वोट किसको देते हैं अभी इलेक्शन से? ना अभी इलेक्शन से तो कांग्रेस को ही देंगे। क्यों कांग्रेस को क्यों देंगे? नहीं अब बहुत हो गया उसका, बहुत हो गया। किसका बहुत हो गया? बीजेपी का। बीजेपी का बहुत? जी हाँ जी हाँ। क्या बीजेपी क्या किया आपको? नहीं नहीं बहुत नुकसान किया का, रोजगार के बारे में बात ही नहीं कर रहे वो लोग। अच्छा हाँ, अभी सेंट्रल में तो बीजेपी है, बहुत अच्छा कर रहे हैं देश का। कुछ भी नहीं आज तक, 10 वादों में से 14 वादों में से कुछ भी वादा, एक भी वादा पूरा नहीं किया उसने। आपकी बार कांग्रेस नरेंद्र मोदी काम का अच्छा नहीं? नहीं। क्या बोले आपको नरेंद्र मोदी के बारे में, क्या बोलेगा आप? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी। अच्छा अभी सेंट्रल में कांग्रेस कर ले तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा ना? अभी इंडिया की सरकार बनेगी तो बनेगा वो। सो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा तो आपको कैसे लगेगा? नहीं अच्छा रहेगा, बदलाव तो आना चाहिए। बदलाव? अच्छा आप बदलाव सोच रहे हैं। हाँ। देश के डेवलपमेंट क्या है? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा तेलंगाना में तेलंगाना में बीआरएस का गवर्नमेंट कैसे था, अभी कैसे? अच्छा है गवर्नमेंट उसका भी, बीआरएस का भी अच्छा था। अभी कैसे? नहीं अभी भी अच्छा है, रेवंत रेड्डी भी अच्छा है। ठीक। नहीं आप कौन सा पार्टी को वोट देने वाले? देखिए अभी तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, क्योंकि जो कांग्रेस के फिलवक मुल्क के जो हालात है, मुल्क को जो ज़रूरत है, वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में पेश कर रही है। कांग्रेस जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का, वो हमको अच्छा लगा। अच्छा। क्योंकि मुल्क के मफाद में, मुल्क की अच्छाई के लिए जो भी काम करेगा हम उसको वोट देंगे। हमको मुल्क को तरक्की पे लाना है। अच्छा। तो हम वैसे लीडर को पसंद नहीं करेंगे जो मुल्क को बंटवारे में लाए, चाहे वो MIM हो या बीजेपी हो या TRS हो या कांग्रेस हो। लेकिन कांग्रेस के पीछे क्या गलतियां थे वो तो खैर आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। लेकिन फिलवक्त राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो बेहतर दिखी। अच्छा मोदी से भी बेहतर राहुल गांधी का रहेगा? नेचुरली मैडम, फिलवक्त जो हम 10 ईयर्स से जो मोदी का पीरियड देख रहे हैं उसमें तरक्की का काम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई। और जो मुल्क का जो पैसा जो वगैरह जो अडानी वगैरह जो जो बिजनेसमैन है उनके हाथों चले गया, तो नॉर्मल आवाम के लिए कुछ भी नहीं मिला, टू बी फ्रैंक। तो इस हिसाब से मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। अभी तेलंगाना में कैसा है, कांग्रेस का अच्छा है कि BRS अच्छा है? नहीं BRS का भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं था, 14 ईयर से BRS पार्टी यहाँ पर रूल करी। KCR साहब के भी वादे थे, खाली प्रोमिस बहुत थे। लेकिन बेसिकली आज जो कांग्रेस फिर रिफॉर्म हुई, वजह वही है कि KCR की अपनी पॉलिसीज की वजह से। KCR बोले कुछ करे कुछ, अब ये कांग्रेस भी गवर्नमेंट का क्या है कि आवाम एक बार चुनी तो वो भी आजमाती, चेंज करना भी जानती। तो अगर कांग्रेस भी सेम अपनी पॉलिसी पे अडॉप्ट फॉलो करेंगे तो नेचुरली वो भी 4-5 साल में चले जाएगी। अभी 6 गारंटी के बारे में क्या बोलेगा? 6 गारंटीज कांग्रेस ने बताया था ना, उसका नॉलेज नहीं है मैडम। 6 गारंटी में कुछ गारंटीज तो हो गए उनके, लेकिन उसमें भी क्या है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने इलेक्शन से पहले जो प्रॉमिस करे थे कि भाई हर किसी को मिलेगा, लेकिन अब ऐसा ऐसा ये आया कि भाई वाइट रेशन कार्ड के लिए। हाँ। चलिए ठीक है, वाइट रेशन कार्ड के लिए भी दिए तो बेहतर है कि दो, खाली वादे मत करो, क्योंकि आवाम को चेंज करना भी आता। तो ये चीज़ है। राइट, ओके, थैंक यू भैया। किसको डालना चाहते हैं? मैं तो वोट कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस? बिल्कुल। जब कांग्रेस ने जो 6 गारंटी के बारे में बताया, बिल्कुल सही है, जो बोलते हैं कांग्रेस वादा जो करते हैं वो बराबर निभा के बताते हैं। अच्छा। और वैसे मैं तो कर्नाटक का हूँ, मैं कर्नाटक में तो ऑलरेडी जो 6 गारंटीज है, 5 गारंटीज है वहाँ पे, 5 गारंटी तो ऑलरेडी चालू है वहाँ पे, रूल्स रेगुलेशन के साथ चालू है। वहाँ हर महीना जो 2000 जमा रहे हैं वो भी जमा रहे हैं, फिर उसके साथ साथ जो रेशन के पैसे जमा रहे हैं वो भी जमा रहे हैं। तो यूथ जो बच्चे हायर एजुकेशन लिए, जो डिप्लोमा हायर क्वालिफिकेशन जो लिए हैं उनको घर बैठे अगर जॉब नहीं है तो लोगों को भी 3000 रुपये जमा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करे हैं, बिल्कुल ज़ीरो में है। फिर लेडीज़ के लिए भी अच्छा है जो फ्री बस दिए हैं। और कांग्रेस की बात तो और है, जो पिछले से कांग्रेस आज नहीं है, कांग्रेस का मुद्दा क्या है, इंदिरा गांधी के रहे जब से भी एक बहुत बेहतरीन हिस्से में है। और एक मोदी जी की भी क्या है, ख़राबी नहीं, मोदी जी क्या है मालूम है, सिर्फ इंटरनेशनल लेवल जाते हैं बस, तो नेशनलिटी में क्या है मालूम है, वो आके रूल पे आके एक गरीब का हालचाल पूछना, एक किसान का, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में किसान का है, किसान के बारे में तो कोई सोचते नहीं, सिर्फ क्या है असेंबली में बैठते हैं, असेंबली में जो बात करते हैं वो बात पूरा रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो होता नहीं। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस सरकार, तो बहुत उम्मीद है कांग्रेस सरकार पे, जो कर्नाटक में तो ऑलरेडी क्या है मालूम है चालू भी है, और कांग्रेस सरकार सक्सेसफुल है वहाँ पे,
अब उसी तरह से तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट में भी वैसा है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ वैसे आम आदमी तरफ से, जिसको नौकरी नहीं है उसको मुफ्त में 3,000-4,000 देना अच्छा है तो नौकरी क्रिएट करना अच्छा है? नहीं, वैसा तो सही देखे तो नौकरी क्रिएट करना है, बट ये एजुकेशन लेके बच्चे क्या मालूम है। फिलहाल मैं भी डिप्लोमा ग्रेजुएट हूँ, अभी एजुकेशन के लिए क्या मालूम है, एजुकेशन फर्स्ट क्या है, एजुकेशन को प्रूफ देना है। एजुकेशन के बाद जो जॉब मिलना है, जिसका क्वालिफिकेशन, जिसके मेंटल एबिलिटी है, उस तरह का जॉब मिलेगा उसको। अगर वो चाहे, सब जने स्टूडेंट क्या है मालूम है, कई पैसे दे के भी डिग्री हासिल करते हैं, हाँ वैसा तो है कि वैकेंसी भी खाली रहना चाहिए ना। और ज़्यादा क्या है मालूम है, सरकार को ये मुद्दा रखना चाहिए कि बच्चे जो स्टूडेंट जो भी क्वालिफिकेशन लिए उनको जिस तरह का जॉब चाहिए उस तरह का अवेलेबल करना चाहिए। तो पहले बीआरएस गवर्नमेंट था यहाँ, कुछ आईटी का डेवलपमेंट्स बहुत हो गया, तो केटीआर ने भी बहुत कंपनियाँ लेके आई, बहुत ये जॉब क्रिएशंस का हो गया बोल के बहुत बोलता है। तो आपके बारे उसके बारे में क्या बोले? नहीं नहीं, टीआरएस भी सही काम कर रहे हैं, बस क्या है मालूम है, वो जो असेंबली के थ्रू सिर्फ वहीं है, जो वहाँ से क्या है, झड़पी है, तालुका पंचायत है, उसके ज़रा सदस्य जो रहता है ना, जो नीचे के लोग आते हैं वो काम को क्लियर नहीं करते हैं। अच्छा। सिर्फ वहाँ पे रिलीज होता है, अच्छा। बड़े असेंबली में रिलीज होता है जो काम ये करना है, किसान के लिए इतना बजट है, हाँ। एजुकेशन के लिए इतना बजट है, अदर हर किसी के लिए एक अलग अलग बजट होता है, पर वो बजट क्या है मालूम है, जो आम आदमी के लिए पहुँचने से पहले क्या है मालूम है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों के लिए होंगे, कोई किसान के लिए होंगे, वो टोटली आके नहीं पहुँचता। अच्छा, माइनॉरिटीज़ के लिए बात करेंगे तो माइनॉरिटीज़ के लिए केसीआर ने बहुत कुछ किया बोल के जी बिल्कुल सही है बात है। मैं तो टीआरएस के बारे में तो मैं ओके करता हूँ, फिर भी क्या माइनॉरिटीज़ बोल के नहीं है, माइनॉरिटीज़ को भी हेल्प किया है, वो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए भी हेल्प करें, फिर अदर ओबीसी में जनरल कास्ट ऐसे जो भी कास्ट वाले हैं सबके लिए हेल्प है, अच्छा काम किए नहीं बोल के नहीं। बड़ी सरकार है, टीआरएस भी अच्छे इंडिपेंडेंट पे है, वो जहाँ पे करना था वो करे, पर जो नीचे के लोग हैं उनके वो लोग काम पे बराबर तवज्जो नहीं दिए, जो ऊपर से है वो बराबर के हैं। फिर भी क्या मालूम है, कांग्रेस सरकार में फिलहाल क्या है, कांग्रेस सरकार का मुद्दा बहुत कम हुआ था, और फिलहाल ये लोग भी क्या है मालूम है, अगर सही तरीके से काम करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि किसान को और एजुकेशन को और हेल्थ को, इन तीन चीज़ों पे अगर मुद्दा दे दें तो बिल्कुल देश के आम सुकून से रहेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमशुद्दीन। अदे अंडि, मनं మొయినాబాద్ లో ఉన్నాము, చెవెళ్ళ లోక్సభ కాన్స్టిట్యున్సీలో మొయినాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్నాము. ఇప్పటివరకైతే మొయినాబాద్ లో అయితే అందరూ కూడా అంటే నేషనల్ వైజ్ గా చూసుకున్నట్లయితే మోదీ గవర్నమెంట్ కొంచెం మారితే బాగుండు, అంటే ఎలా అయితే తెలంగాణలో మార్పు కోరుకున్నారో అలాగే జాతీయ స్థాయిలో కూడా మార్పును కోరుకుంటున్నారనేటువంటి అభిప్రాయం మొయినాబాద్ లో మనం విన్నాం.